मम्मी थोड़ा सा गलती हो गया, ये थोड़ा सा गलती है, तुम सिंपल चीजें भी बता देते हो। सॉरी मोटा, गलती हो गई। Welcome back to today's vlog. My name is Akanksha. Hope you all are doing good at home, safe and sound. फिलहाल बजे सुबह के 9:30। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मेरे साथ एक दिक्कत है कि जब भूख लगती है ना तभी खाना होता है, क्योंकि अगर उस टाइम नहीं खाया ना तो मैं एक एक जानवर टाइप्स बन जाती हूँ और मुझे बहुत जोर से गुस्सा आने लग जाता है। वैसे तो हम 6:30 बजे उठ गए थे, मोटा और मैं गए थे वॉक पे। मैं तो अभी अभी शुरू हुई हूँ, मोटा पहले से जाता था बिकॉज मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है। तो अभी लोग वापस आ गए हैं, अभी तो मैं फटाक से पहले ब्रेकफास्ट करूंगी क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। एंड ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग फीफा। उसका ये चीज मैंडेट है आई थिंक, वीकेंड को जैसे ही वीकेंड होगा वैसे ही उनका फीफा खुल जाएगा। वैसे वीकेंड भी मैंडेट नहीं है, ऐसा इनको जब भी मौका मिलता है ये तब फीफा खोल के बैठ जाते हैं। और इस समय तुम इनसे कुछ भी पूछ लो इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है ना मोटे। ब्रेकफास्ट रेडी, आई हैव ब्राउन ब्रेड, भुजिया एंड थोड़ा सा सॉस, एंड यहाँ पे है मेरे पास हॉट चॉकलेट मिल्क। साथ में आई एम गोइंग टू वॉच समथिंग, ऑलरेडी देखी हुई मूवी ही देखेंगे क्योंकि मुझे वही देखना अच्छा लगता है। वो देख, ऊपर देख, ऊपर। नहाना मेरा हो चुका है, सो आई एम गोइंग टू नाउ गेट रेडी। सो आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई फेस फर्स्ट, एंड एज यू ऑल नो गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे एंड टैनिंग ना खतरनाक होने वाली है। सो आई एम गोइंग टू यूज अ सनस्क्रीन ऑन माई फेस, एंड फॉर माई सनस्क्रीन टूडे आई एम गोइंग टू यूज दिस प्लम का सनस्क्रीन विच हैज 2% नियासिनमाइड एंड राइस वाटर। दिस ऑल्सो हैज SPF 50 एंड PA++। बिफोर रिव्यूइंग दिस आई वॉन्टेड टू यूज दिस फॉर सम टाइम सो दैट आई कैन गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ हाउ दिस वर्क्स, how the sunscreen is, and trust me the results are totally amazing. Let me tell you the benefits of using this sunscreen. This sunscreen is dermatologically tested and clinically proven to brighten the skin and reduces the tan by 3 times in just 2 weeks. It contains 2% niacinamide to brighten the skin and fermented rice water that hydrates the skin. Also the sunscreen is super lightweight and it melts into the skin leaving no white cast. The best part about this sunscreen is that it is suitable for all skin types, plus it is very affordable. It is only for 399 rupees, plus you should never miss using a sunscreen in your skincare routine or in your makeup routine. So if you want to buy this product you can use my code Akanksha to get 10% discount on Plum's website. Now I'm getting late, so let's get ready and let's go. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी एक्चुअली ना बहुत ज्यादा शर्म का बात हो गया मम्मी। सो बेसिकली अभिनीत ना डाइटिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो भी खाना बनाते हैं ना वो बहुत लिमिटेड, ऐसे 100 ग्राम ऐसे ऐसे करके बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा बहुत दिन से मैं करेला मंगा के रखी हूँ घर पे, तो काम करती हूँ करेला छोक के आ जाऊंगी। तो मैंने करेला छोक दिया, मम्मी ये बोल रही है ये क्या लेके आई हो। तो मैंने बोला करेला लेके आया हूँ। तो कहती क्यों लेके आए, मैंने बोला एक तो छोंक दिया मैंने, ये दूसरा वाला थोड़ा सा कड़ा लग रहा था तो मैं कंफ्यूज था। फिर वो कहती वो करेला है, वो करेला। मैंने कहा हाँ। कहती वो करेला है, मैंने कहा हाँ। फिर छोटी बोलती वो करेला नहीं है। यार मम्मी थोड़ा सा गलती हो गया, ये थोड़ा सा गलती है, तुम सिंपल चीजें नहीं बता दो। शादी कर ली बस बेवकूफ जैसे बच्चे। मैं तो अभी ये सोचो कि अभी नहीं तभी करेला समझ के, क्योंकि मैं उसको बोल के आपकी करेला का सब्जी है ये खा लेना। एक बात बताओ दोनों सेम ही तरीके से छोंकते हैं ना? नहीं, ये बहुत सॉफ्ट और हल्की सब्जी बेटा। तो पका होगा कि नहीं पका होगा? पक तो गया होगा, तो बहुत सॉफ्ट और इजीली पक जाता है। तुम ऐसे हमको मत घूरो अक्षरा, हो गया। वो कितनी उम्र की तुमसे? हाफ एंड हाफ। हाफ एन आवर? क्या क्या किया क्या था मम्मी? कितनी उम्र की है? हाफ एन आवर बता, लगभग कम बहुत ज्यादा। क्या हाफ एन आवर मतलब लगभग कम बहुत ज्यादा, समझी? मोटा अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम सॉरी। तू क्या सॉरी? मैं सॉरी दुनिया भर की। माय गॉड,
यार हम करेला को तोरू कैसे समझ लिए यार, और बकायदा तुम तोरू को करेला समझियो, करेला को तोरू नहीं समझियो। क्यों आ गई है ये एक पिस्ते के? अभी पापा भी आए हमसे पूछने तोरू क्यों लेके आई हो। हम मन में सोचे कुछ भी बोलते हैं, करेला को तोरू कौन बोलता है? भाभी हमको लग रहा है हम ही है। सॉरी मोटा, गलती हो गई यार। हो जाता है अक्षरा, बट सब्जी तो बनाई है ना, बात अलग है। मन में जो सोचे थे वो नहीं बना, कुछ और बन गया है। एक गोबर गोड़ी ले आओ, मोटा चोपड़ा आओ, मोटा रत्तु आंखे लाओ, नीनी गोर पूजा आओ, गोरे गणगोर माता बोले की बाड़ी भलाया भला गुण मन सारे देखो उड़ो फिर रावण की नाय कुटिया रो पर जय कर समीला है तू रो दू बात है। घर से मैं निकल गई हूँ एंड मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स कोरम मॉल, एस एस नेक्सस मॉल कोरमंगला में। अभी तो मैं ऑटो में जा रही हूँ, इसलिए मैंने सभी कुछ ऐसे कवर कर लिया है। भूल इतनी होती है ना यार कि आदमी जब तक कहीं और पहुंचे ना तब तक आधा तो भूल से लथपथ रह जाए। ऑल्सो कुछ दिन पहले जब होली थी ना तो हम दोनों यहीं पे अपना होली खेल रहे थे, और उस समय ना हमने अपना क्रॉक्स पहन के ही यू नो होली खेल लिया था। तो अभी हम दोनों के क्रॉक्स पे ना कलर चढ़ गया है, पिंक कलर बहुत गंदा है। मैंने अभी दो तीन बार उसको धोने की कोशिश की, वो अभी तक धुला तो है नहीं। तो आई थिंक वी माइट टेक आवर न्यू क्रॉक्स टुडे। क्या लास्ट मिनट पंगा हो गया है, मतलब मैंने नेक्स्ट स्कोर मंगला डाला था तो मैं कहीं और ही पहुंच रही थी, वो बस मुझे बस पीछे ऐसा समझ